हेलो एवरीवन, तो आज पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स क्या होता है और इन्फीरियर गुड्स क्या होता है। ये आपके लॉ ऑफ डिमांड सॉरी डिमांड चैप्टर का टॉपिक है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, जिसमें मैंने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सब कुछ बताया है और डिमांड के बारे में सब कुछ बताया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नॉर्मल गुड्स क्या होता है। नॉर्मल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अब देखिए नॉर्मल गुड्स क्या होता है, यहाँ पर जो गुड्स के डिमांड की बात की जाती है ना, वो किसके किसके तरफ से की जाती है, एक कंज्यूमर के इनकम के साथ की जाती है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा है, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो वहीं डिमांड हमारा डिक्रीज होगा। अगर प्राइस हमारा डिक्रीज होगा तो डिमांड हमारा इंक्रीज होगा। जो डिमांड चल रहा है वो प्राइस के बेस में चल रहा है। ठीक है, जो डिमांड का फ्लक्चुएशन हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, प्राइस के बेस पे हो रहा है। लेकिन नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, कंज्यूमर के या फिर कस्टमर के इनकम के फ्लक्चुएशन से हमारा डिमांड यहाँ पर इफेक्ट होता है। अब देखिए नॉर्मल गुड्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि समझ लीजिए एक कंज्यूमर का इनकम है जो कि इंक्रीज हुआ है। समझ लीजिए उसका इनकम है 25,000, अब इंक्रीज हो गया है 35,000। ठीक है, ये हमारे कंज्यूमर का इनकम है जो कि इंक्रीज हुआ है। वहीं टीवी का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एक कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ पास कंज्यूमर का अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसका जो टीवी के प्रति डिमांड है ना वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जहाँ पास एक कॉमोडिटी का अगर डिमांड इंक्रीज होता है विथ एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर के इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ अगर उसका किसी कॉमोडिटी के लिए डिमांड भी इंक्रीज होता है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर किस तरीके से बनता है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर डिमांड कर वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो नॉर्मल गुड्स है उसका डिमांड कर कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, अब देखिए इंफीरियर गुड्स क्या होता है। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। देखिए देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, साफ साफ समझ आ रहा है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप होगा बिटवीन इनकम एंड डिमांड के बीच में। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल गुड्स में अगर आपका कंज्यूमर का इनकम अगर इंक्रीज होता है तो उस कॉमोडिटी या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का डिमांड भी इंक्रीज होगा। दोनों साथ साथ चल रहे थे, वो इनवर्स रिलेशनशिप नहीं था। इन्फीरियर गुड्स बात करता है इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में, डिमांड और इनकम की। अगर एक कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के लिए उसका डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। किस तरीके से होगा वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। हमने नॉर्मल गुड्स में क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट इफेक्ट पड़ता है इनकम का एक पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड के लिए। वहीं इंफीरियर गुड्स में ये बोला जा रहा है कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है डिमांड में एक इनकम की वजह, एक कंज्यूमर के इनकम की वजह से। ठीक है, आप कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको बताती हूं। एक कंज्यूमर का इनकम है वो इंक्रीज हुआ 25,000 से, पहले उसका क्या इनकम था 25,000 था, अब वो इंक्रीज हो गया है 35,000 के लिए। ठीक है, वहीं टीवी हमारे पास होते हैं दो तरीके के, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, एक होता है कलर्ड टीवी। ठीक है, यहाँ पर जो कंज्यूमर हमारा 25,000 वाला कंज्यूमर था ना, वो क्या कर रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी परचेज कर रहा था, उसके पास था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ठीक है, अब वही अगर उसका इनकम इंक्रीज हो गया, कंज्यूमर का क्या है इनकम इंक्रीज हो गया 25,000 से 35,000 के लिए, तो वो क्या करेगा, अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं खरीदेगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं खरीदेगा, वो क्या खरीदेगा, कलरफुल टीवी खरीदेगा। ठीक है, वो क्या खरीदेगा, कलरफुल टीवी अब खरीदेगा। क्यों, क्योंकि अब उसके पास इनकम उसका जो है इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है किसी कंज्यूमर का, तो एक कॉमोडिटी के लिए डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए उस चीज का डिमांड कम हुआ क्योंकि ये कंज्यूमर क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा कलरफुल टीवी के लिए। तो ये जो नेगेटिव रिलेशन चल रहा है ना इनकम के इंक्रीज होने का
डिमांड के डिक्रीज होने का, इसी इनवर्स रिलेशनशिप को कौन दर्शा रहा है, हमारा इन्फीरियर गुड्स दर्शा रहा है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है देख लीजिए, ये होता है इन्फीरियर डिमांड कर्व का कर्व। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मेरे से कमेंट्स में पूछेगा, मैं जरूर आपका डिमांड डाउट क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्फीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। देखिए, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या होता है। ठीक है, दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन डिमांड कर्व। देखिए, साथ साथ चल रहा है, अगर एक इनकम इंक्रीज हो रहा है तो वहीं साथ में गुड्स का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगा, ऐसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। इन्फीरियर गुड्स कौन सा होता है, दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन इनकम। यहाँ पास क्या हो रहा है, कंज्यूमर का अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के लिए डिमांड जो है उसका डिक्रीज हो रहा है, ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। मैंने बताया पहले ही कि इनकम इफेक्ट कैसे पॉजिटिव हो रहा है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्या बोलता है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ठीक है, इनकम और डिमांड के बीच में यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पास क्या बोला जा रहा है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ठीक है, यहाँ पास क्या बोल रहा है, इनकम और डिमांड का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पास क्या बोला जा रहा है, इनकम और डिमांड का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स और नॉर्मल गुड्स का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर के मेरे चैनल पे देख लीजिए। थैंक यू।